नाउ आई एम इनसाइड द एमजी पवेलियन एंड एमजी मोटर्स ने क्या क्या शोकेस किया है सब आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एमजी पवेलियन में। सो नाउ आई एम इन द एमजी मोटर्स पवेलियन एंड यहाँ पे एंटर करते ही सबसे पहली चीज जो देखने को मिली वो है ये, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है एमजी की मिगेट एंड इट्स अ काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं विंटेज कार। एंड इसके बारे में थोड़ी आपको डिटेल्स दे देता हूँ। तो ये जो ये एमजी मिगेट है, इट बिलोंग्स टू अमित महेश्वरी, कोई अमित महेश्वरी हैं जयपुर में, उनकी ये कार है एंड उन्होंने 1965 में ये ली थी एंड उसके बाद अभी तक इसको कम्प्लीटली रिस्टोर किया गया एंड पूरा मेंटेन किया गया एंड इट्स टू सीटर कार। सी आप देख सकते हैं काइंड ऑफ रॉकी डिज़ाइन सा है इसका एंड सी उस टाइम में साइड हुआ वीएम्स यहाँ नहीं, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ मिलते थे। लेफ्ट हैंड ड्राइव है ऑब्वियसली, तब इंपोर्ट करके ली होगी एंड सी जो इसका इंटीरियर्स है एकदम बेसिक बट स्टिल अभी तक कितने सही तरीके से मेंटेन करके रखा है। हियर में कुछ ऐसा विंटेज क्लासी सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा इसका। तो अब चलते हैं आगे एंड आगे दिखाता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें अंदर और एक्साइटमेंट से भरी हैं। सो सबसे पहली चीज़ जो इस बार की थीम है ना एमजी की पूरे पवेलियन की, टूवर्ड्स ग्रीनरी एंड आप बोल सकते हैं ना सस्टेनेबिलिटी एंड उसके टूवर्ड्स है। हर तरफ आपको ट्रीज़ ऐसा नेचर से क्लोज पूरा लेके जाएगा एमजी का पवेलियन। तो एमजी के पवेलियन में एंटर करते सबसे पहली एक्साइटिंग कार जो मुझे देखी वो है ये एमजी मार्वल आर, दैट इज़ कम्प्लीटली इलेक्ट्रिक। आप देख सकते हो ऊपर लिखा भी हुआ है रिचार्ज योरसेल्फ। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज देखने को मिलेंगी लाइक ऑटोनोमस, प्लग इन हाइब्रिड्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो रिचार्ज योरसेल्फ कैटेगरी, दैट मीन्स फुली इलेक्ट्रिक, एक ये ग्लोबल कार एमजी ने शो की है। हालांकि अभी इंडिया में नहीं है और इसका कुछ प्लान पक्का कब तक आएगी नहीं आएगी वो भी कुछ कंपनी ने ऐसा क्लेम नहीं किया, जस्ट ये ग्लोबल कार शोकेस किया है। सो इट कम्स विद 70 किलोवाट और बैटरी एंड इसमें जो रेंज है जो कंपनी क्लेम करती है 402 किलोमीटर्स की रेंज है एंड जो पावर ही निकाल के देती है वो देती है 288 PS की पावर एंड जो टॉर्क है इसका वो बहुत कमाल का है, 665 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको देती है एंड साथ ही साथ जो बूट स्पेस वगैरह है वो 507 लीटर्स का मिल जाता है। तो ये कुछ था इसके बारे में जो मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। सीड टेल लैम्प्स है, फुल LED टेल लैम्प्स है एंड ये पैटर्न देख रहे हैं मुझे कहीं ना कहीं ऑडी की याद दिला रहा है एंड ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग इसमें, दैट मीन्स ये ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है एंड मार्वल आर इलेक्ट्रिक की बैजिंग में, लेकिन कनेक्टेड टेल लैम्प्स का डिज़ाइन इसमें दिया गया है। रियर सारे पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें मिल जाते हैं एंड अब चलते हैं आगे। एंड वो एक तो यार जो नेचर की थीम है ना पूरी बहुत ही काम एंड ऐसे फीलिंग दे रही है। तो यस यहाँ पे एक एमजी ग्लॉसर भी डिस्प्ले की है जो अभी न्यू एक का न्यू एडवांस ग्लॉसर इन्होंने लॉन्च की थी एमजी ने विद फोर व्हील ड्राइव एडास फीचर्स एंड यस इसे ऑटोनोमस लेवल वन इसमें आता है। तो ये ऑटोनोमस लेवल वन की कैटेगरी में ग्लॉसर यहाँ पे शोकेस की गई है एंड यहाँ पे एक ईवी को सिस्टम भी दिखा रखा है एमजी ने अपना तो जिसमें बेसिकली ईवी का कैसा सिस्टम रहता है वो आपको देखने को मिलेगा। एंड तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैटरी की प्लेसमेंट रहती है फ्लोर पे एंड मोटर वगैरह की प्लेसमेंट आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलती है। तो ये कुछ सेटअप है ईवी बैटरी का एंड साथ ही साथ पीछे कुछ वीडियोस वगैरह चल रही है जिसमें दिखाया कि कैसे बैटरी वगैरह की वैलिडेशन एमजी करता है। एमजी के इस बार पवेलियन में आपको या तो ईवी या तो हाइब्रिड ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, ज़्यादा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स ज़्यादा देखने को मिलेंगी। जो नॉर्मल यस जो न्यू हेक्टर वगैरह जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वो भी शोकेस की है, ग्लॉस्टर भी है, बट मेजॉरिटी आपको ईवीज और यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड देखने को मिलेंगी। तो अब चलते हैं आगे एंड आगे आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें एमजी के पवेलियन में इस बार है। सो नेक्स्ट कमिंग टू द प्लग इन हाइब्रिड सेक्शन, तो यहाँ पे क्या शोकेस है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो हेयर इट इज एमजी ERX5, तो ये एक प्लग इन हाइब्रिड कार है। इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको पहले दिखाता हूँ, यहाँ पे आप लोगो देख रहे हो, ये लोगो आपको एमजी का नहीं लगेगा क्योंकि ये कार जो है चाइना में रोई ब्रांड के नाम से सेल होती है, रोई ब्रांड के अंडर आती है, बट चाइना के बाहर ये कार एमजी के ब्रांड के अंडर सेल होती है। तो ये इट्स अ कॉम्पैक्ट एसयूवी
इसमें आपको 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिलता है, साथ ही साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती है ड्राइव करने के लिए। स्पेसिफिकेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट लुक में इट इज़ माइंड ब्लोइंग। आप देख सकते हैं फ्रंट में बहुत बड़ी सी फ्रंट ग्रिल आपको देखने को मिलती है। साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे PHEV दैट इज़ प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। टेल लैम्प्स की बात करूँ तो काफ़ी कॉम्पैक्ट से, स्लीक से, एजी से टेल लैम्प्स हैं। आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प्स मिल जाएंगे। अगेन यहाँ पे भी आपको कनेक्टेड टेल लैम्प्स का पूरा डिज़ाइन मिलता है। ERX5 की बैजिंग मिलती है। इंडिया में आएगी नहीं आएगी इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट MG ने इसे डिस्प्ले किया है। एंड कुछ स्पेसिफिकेशन मैं इसकी बताऊँ आपको, तो इट कम्स विद अ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, एंड इसमें आपको साथ ही साथ 16.6 किलोवाट की बैटरी मिलेगी। एंड फुल EV मोड में ये 70 किलोमीटर तक चल सकती है। एंड जो इसकी पावर है वो है 245 PS की, एंड जो ये टॉर्क निकाल के देती है 570 Nm का टॉर्क ये आपको निकाल के देती है। तो ये है MG की ERX5 प्लग इन हाइब्रिड। अगेन एक और EV दैट इज़ ZS EV जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में है, एंड इसका इंप्रेशन वगैरह सब मेरे चैनल में आप देख सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा। ZS EV भी शोकेस यहाँ पे कर रखी है। देन न्यूली लॉन्च्ड MG हेक्टर जो नेक्स्ट जनरेशन है, हेक्टर प्लस वाला वेरियंट यहाँ शोकेस किया हुआ है। एंड कमिंग टू द अगेन वन मोर प्लग इन हाइब्रिड विच इज अ हेड टर्निंग सेडान विद इट्स टू मोर एटीट्यूड एंड कम्स इक्विप्ड विद हाई टेक ड्राइवर असिस्टेंट फीचर्स द EMG6 कैन स्प्रिंट फ्रॉम 0 टू 100 in just 6 seconds. So one more plug-in hybrid यहाँ पे showcase के MG ने, that is EMG6. Again bold सी grill आपको piano black finish में मिलती है, MG का logo मिलता है, kind of sporty feel आपको front से ही देखने को मिल जाएगी, with LED tail lamps वगैरह देखने को मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। And coming to the side, तो side से see सबसे पहली चीज़ वाओ, द डिज़ाइन फैक्टर वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त है। एंड अगेन कमिंग टू द व्हील्स, तो यहाँ पे आपको 18 इंचेस के लो प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलेंगे विद ब्लैक अलॉयज, एंड चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक वगैरह आपको देखने को मिल जाएगी। एंड आपको जल्दी से इंटीरियर्स दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा। अगेन इंटीरियर्स भी उतनी ही स्पोर्टीनेस आपको दिखाते हैं जितना इसका पूरा एक्सटीरियर डिज़ाइन है। सीट्स वगैरह आप देख सकते हैं पूरी स्पोर्टी डिज़ाइन की इसमें आपको मिलेगी, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट वाली, कुछ इस तरीके का स्टेयरिंग व्हील आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे ना एक सुपर स्पोर्ट का बटन दे रखा है, कोई स्पोर्ट मोड वगैरह इसमें है। ओवरऑल सीट्स वगैरह में भी, सीट बेल्ट्स वगैरह भी ग्रीन टच के साथ इसमें दी गई हैं। टॉकिंग अबाउट द रियर, तो अगेन रियर सीट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी, एंड सीट बेल्ट वगैरह काफ़ी अलग सी है, तो ये इट्स अ नाइस थिंग। बीच वाली ब्लैक है, आपको बाकी ग्रीन मिलेंगी। तो ये जो रियर की लुक है ये बहुत ही तगड़ी है यार, मतलब जिनको स्पोर्ट्स कार वाली फील चाहिए ना तो इसमें भर भर के। एंड जो रियर टेल है हमसे ना, इस पर भी कुछ यूनिक चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे X की जो बैजिंग है ना, तो वो आपको यहाँ भी मिलेगी, एंड इसके बीच में भी ग्रीन एलिमेंट मिलेगा। अगेन LED टेल लैम्प्स हैं, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इसमें है। डुअल एग्जॉस्ट दोनों साइड में आपको मिलेंगे, यहाँ भी डुअल एग्जॉस्ट, वहाँ भी डुअल एग्जॉस्ट, और जो लोअर बम्पर है पूरा ग्लॉसी ब्लैक मिलेगा। सो दिस कार कम्स विद 1.5 लीटर टर्बो चार्ज हाइब्रिड पेट्रोल, एंड 11.1 किलोवाट की बैटरी इसमें मिलती है हाइब्रिड मोटर के साथ। जो प्योर EV मोड पे आप चलाओगे तो इसे 70 किलोमीटर तक चल सकती है अलोन ऑन दी बैटरी। जो पावर है ये आपको निकाल के देती है अराउंड 305 BHP की, एंड जो टॉर्क है वो है इसमें 480 Nm का। एंड अब चलते हैं आगे, और आगे आपको बताता हूँ क्या क्या और एक्साइटिंग चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। सो द नेक्स्ट एक्साइटिंग थिंग इन MG पेविलियन वो है MG4, जो MG ने इस ऑटो एक्सपो में शोकेस की है, एंड इट इज़ अ प्योर इलेक्ट्रिक कार। MG का कहना है कि ये ऑलरेडी मास प्रोडक्शन लेवल की कार है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एंड ऑलरेडी MG इसे टेस्ट कर रहा है फॉर इंडिया कंडीशंस, एंड तो शायद ये आपको इंडियन रोड्स पे दिख पाएगी। तो इट्स अ काइंड ऑफ हैचबैक। फ्रंट में यू गेट दिस LED हेडलैम्प्स विद दीज DRS पैटर्न्स, एंड आपको MG का लोगो मिल जाएगा। एंड सी द लोअर बम्पर इज़ ऑल अबाउट स्पोर्टी फील, एंड इसके ऊपर जो सेक्शन है वो स्पोर्टियर इलेक्ट्रिक का सेक्शन है जिसके अंडर MG ने इसे शो केस किया है। तो मैं साइड से भी आपको दिखा देता हूँ एक बार, साइड से कुछ ऐसी लुक आपको इसकी देखने को मिलेगी। जो व्हील्स हैं वो पूरा सिग्निफाई करते हैं कि ये EV है, एंड यू विल गेट 17 inches alloy व्हील्स, एंड कुछ ऐसा सा लुक आपको साइड से मिलेगा। सी पिलर कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट है, एंड जो फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन है कहीं ना कहीं
बहुत सही लुक ये देता है। एंड मैं रियर की बात करूँ, सी रियर में और ज़्यादा स्पोर्टी हो जाती है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर डिज़ाइन आपको इसमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। एंड सी द टेल लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स कुछ इस डिज़ाइन के साथ आपको मिल जाती है, एंड दे आर रियली स्पोर्टी लुकिंग। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, सो इट कम्स विद 64 किलोवाट बैटरी, 450 किलोमीटर्स की रेंज आपको देती है एक फुल चार्ज में, 204 PS की पावर देती है, 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये आपको प्रोड्यूस करती है। एंड मैं फीचर्स की बात करूँ, कुछ की फीचर्स, सो इट कम्स विद MG पायलट, दैट मीन एडास फीचर्स, एंड टेक 10 आपको इसमें एडास या ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स मिल जाते हैं। एंड उसके साथ साथ ये कार यूरो एंड कैप में पूरी 5-स्टार रेटेड है विद 7+ पैसिव सेफ्टी फीचर्स। एंड टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ दिस MG4, तो आपको कुछ इस टाइप का इंटीरियर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यू विल गेट 10 अप्रॉक्सीमेटली 10 इंचज की इंफोटेनमेंट स्क्रीन आपको मिलती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो गियर नॉब है, या मैं बोलूँ जो गियर सिलेक्टर नॉब है, जो हमने सबसे पहले ZS EV में देखा था। एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाती है, उसके नीचे यू विल गेट 2 कप होल्डर्स। एंड स्टेरिंग की मैं बात करूँ, सी कुछ ऐसा स्टेरिंग है, आपको पास से दिखा देता हूँ, 2-स्पोक स्टेरिंग व्हील आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, तो कुछ इस तरीके की सीट्स है, दिखने में तो कंफर्टेबल लग रही है, काफ़ी ब्रॉड है, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। एंड टॉकिंग अबाउट दी रियर सीट्स, तो रियर सीट्स आपको कुछ इस तरीके से मिलेंगी। सो ये है MG4 EV जो हाल ही में MG ने अनवील की है, कल शोकेस की है, मैं बोलूँगा अनवील तो नहीं, तो मे बी अगर सब कुछ सही रहा इसकी टेस्टिंग वगैरह, तो MG ने कहा शायद ये इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है। सो द अदर एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी इन द प्लग इन हाइब्रिड सेक्शन ऑफ MG Pavilion इज दिस EHS, जो कि MG ने शोकेस किया है, एंड ये ऑलरेडी प्रोडक्शन लेवल की कार है, एंड वो MG4 जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी उसके साथ ही ये शोकेस की गई है। एंड MG का कहना है कि इसकी टेस्टिंग भी चल रही है, एंड इफ़ एवरीथिंग गोज वेल तो मे बी आप इसे 2 साल के अंदर अंदर इंडिया में देख सकते हो। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ कॉम्पैक्ट SUV, क्रेटा के साइज के लेवल की है, क्रेटा के आसपास के साइज के लेवल की कार है, एंड इट इज़ अ प्लग इन हाइब्रिड। इस पहले फ्रंट में आप देख सकते हैं इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे विद DRLs, LED DRLs, फॉग लैम्प्स, एंड बीच में यू विल गेट दिस काइंड ऑफ ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल विद MG लोगो, तो कुछ इस तरीके का फ्रंट डिज़ाइन आपको मिलेगा। एंड मैं आपको साइड से एक बार ये दिखाता हूँ, साइड से कुछ ऐसी है, कुछ कुछ आपको ये MG ZS EV की याद दिलाएगी। कमिंग टू द रियर, सो रियर से आपको कुछ ऐसी लुक मिलेगी, यू विल गेट LED टेल लैम्प्स, एंड अगेन MG का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग फ्रॉम द डोर, तो यहाँ से आपको पूरे डोर में सॉफ्ट टच फिनिश दी गई है विद दिस रेड थ्रेड स्टिचिंग, एंड हियर आर द कंट्रोल्स ऑफ साइड OEMs एंड पावर विंडोज। एंड टॉकिंग अबाउट दी सीट्स, तो काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग सीट्स है, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको इसमें मिलता है, जो कि आपको स्पोर्ट्स कार में स्पोर्ट्स सीट्स का डिज़ाइन है ना, वैसा ही आपको यहाँ पे कुछ डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बहुत ही कंफर्टेबल सीट लग रही है, एंड यस इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स इसमें आपको मिलेंगी। सो इसका कुछ इस तरीके से इंटीरियर आपको देखने को मिलेगा, एंड यस प्रीमियमनेस इसमें है, हर जगह सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, ऊपर भी सॉफ्ट टच, यहाँ भी सॉफ्ट टच विद दिस स्टिचिंग पैटर्न आपको मिलेगा। बीच में यू विल गेट दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, अराउंड 10 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको इसमें मिलेगा, AC वेंट्स, एंड सारे AC कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, एंड AC कंट्रोल्स के जो बटन है ना, सी ये इस टाइप के कॉकपिट स्टाइल के बटन्स हैं, क्वालिटी बहुत सही लग रही है अभी इसमें। एंड जो ये पार्ट है ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में आपको मिलेगा, विच ओपन्स लाइक दिस, यू हैव टू प्रेस दिस, एंड यहाँ पे 2 USB पोर्ट, एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आपको अंदर मिलेगा, एंड बहुत प्रीमियम फिनिश है सच में, ब्रश्ड एल्यूमिनियम पूरी फिनिश है। यहाँ पे स्लीक सा छोटा सा एक ये गियर लीवर मिलेगा, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव, एंड इट इज़ एन ऑटोमेटिक, ऑब्वियसली बूट ओपनर मिलेगा, 360 कैमरा व्यू का फीचर इसमें है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एंड ये हाइब्रिड है जैसा मैंने बताया, प्लग इन हाइब्रिड, तो प्योर EV मोड के लिए भी इसमें बटन दिया गया है। एंड यस यू विल गेट दी स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस आपको मिलेगा, एंड आर्म रेस्ट के अंदर भी कुछ ऐसा स्पेस है, एंड ये कूल्ड आर्म रेस्ट है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर सीट्स, कुछ इस तरीके से रियर सीट्स आपको मिलेंगी विद 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, फुली लेदर सीट्स है, एंड अगेन यहाँ पे एक आर्म रेस्ट है, ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश आपको यहाँ भी मिलेगी, 2 कप होल्डर्स हेयर, सम स्टोरेज स्पेस हेयर।
टेक्निकल स्पेक्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलती है 16.6 किलोवाट की बैटरी अलॉन्ग विद 1.5 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन, ठीक है। एंड वो जो ओवरऑल जो प्रोड्यूस करती है पावर ये कार, वो है अराउंड 258 bhp की। एंड जो टॉर्क है इसमें निकल के आता है वो आता है 418 न्यूटन मीटर का। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ड्राइव इट इन अ प्योर ईवी मोड देन यू कैन, तो ये प्योर ईवी मोड में 52 किलोमीटर्स के आसपास चलती है। तो अब चलते हैं आगे और आपको दिखाता हूँ इस ऑटो एक्सपो में और क्या क्या एक्साइटिंग चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एंड द नेक्स्ट एक्साइटिंग थिंग इन द MG पवेलियन वो है ये, MG ने भी अपनी यूनिक 7 यहाँ पे शोकेस की है। एनी इट्स नॉट अबाउट द कार, इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी। ये कार जो अभी करंटली आप देख रहे हैं ग्लोबल कार है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी मास प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना एंड अदर ग्लोबल मार्केट्स में ये ऑलरेडी कार सेल पे है। ये एक MPV है पूरी, ठीक है। तो इसके बारे में स्पेशल क्या, एक तो ये जो इसका हाइड्रोजन टैंक है वो पूरा कार्बन फाइबर मटेरियल का बना हुआ है ताकि इम्पैक्ट्स के ड्यूरिंग उसको कुछ ऐसा डैमेज ना हो एंड वो सेफ रहे। एंड इसके साथ साथ इसमें अराउंड 6.5 या 6.8 kg के अराउंड हाइड्रोजन की स्टोरेज होती है, जिसमें ये आपको रेंज देती है अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोमीटर्स की। तो ये है हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का शोकेस MG पवेलियन में, जो उन्होंने आज यहाँ शोकेस किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली क्या है कि इसमें हाइड्रोजन स्टोर होती है। एंड आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताऊँ, अंदर होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड वो इलेक्ट्रिसिटी काम आती है कार को ड्राइव करने के लिए। एंड जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है ना, जो एग्जॉस्ट प्रोडक्ट है बेसिकली, वो होता है सिर्फ और सिर्फ वाटर। एंड अभी कोई ऐसा इसका कुछ कंपनी ने कमेंट नहीं किया कि इंडिया में आएगी नहीं आएगी, बट यस दे हैव शोकेस दैट दे आर कैपेबल ऑफ दिस हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। एंड एक चीज़ MG पवेलियन के बारे में मैं बताऊँ जो स्पेशल मुझे लगी, MG के पवेलियन में ना कोई भी कार कॉन्सेप्ट लेवल की नहीं है, जितनी भी कार शोकेस है सब मास प्रोडक्शन लेवल की है, या तो उनके ग्लोबल पोर्टफोलियो से यहाँ आई है शोकेस के लिए या ऑलरेडी इंडिया में है, लाइक MG हेक्टर ग्लॉस्टर वगैरह। तो ये है MG पवेलियन के बारे में एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द MG पवेलियन। अब चलते हैं ऑटो एक्सपो में आगे एंड आगे दिखाता हूँ और क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।